પાર્ટીના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. જોરદાર તાળીઓના હર્ષનાદ સાથે આપણે ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરીએ માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીનું અને સર્વે મહાનુભાવોનું. આજ કે ઇસ અવસર પર માનનીય પ્રધાનમંત્રીજી એવમ સભી ગણમાન્ય અતિથિયો કા મંચ પર હમ સહર્ષ સ્વાગત કરતે હૈ. હમારે બીચ મંચ પર પધારે હૈ ગુજરાત કે પરમ સન્માનનીય રાજ્યપાલ શ્રી ઓપી કોહલીજી, પ્રગતિશીલ ગુજરાત કે પ્રણેતા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજય રૂપાણીજી, માનનીય રેલ મંત્રી ભારત સરકાર શ્રી સુરેશ પ્રભુજી, સામાજિક ન્યાય એવં અધિકારિતા મંત્રી ગુજરાત સરકાર શ્રી આત્મારામ પરમારજી, ગુજરાત કે મુખ્ય સચિવ ડોક્ટર જયંત સિંહ, શ્રી એ કે મિત્તલજી, સદસ્ય એન્જિનિયરિંગ રેલવે બોર્ડ, સભી મહાનુભાવો કા હૃદય સે સ્વાગત હૈ. ઓર અબ આઈએ, ભારત કે વિકાસ પુરુષ, રાષ્ટ્ર હિત કે ઉન્નત સંકલ્પો કે સાધક માનનીય પ્રધાનમંત્રીજી નરેન્દ્ર મોદીજી કા પુષ્પગુચ્છ અર્પણ કરકે અભિવાદન કરને કે લિયે વિનમ્ર અનુરોધ કરતે હૈ ગુજરાત કે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજય રૂપાણીજી કો. માનનીય રેલ મંત્રી ભારત સરકાર શ્રી સુરેશ પ્રભુજી સે આગ્રહ હૈ કૃપયા આદરણીય પ્રધાનમંત્રીજી કો પુષ્પગુચ્છ અર્પણ કરકે ઉનકા સ્વાગત કરે. ગુજરાત સરકાર કે સામાજિક ન્યાય એવં અધિકારિતા મંત્રી શ્રી આત્મારામ પરમારજી સે અનુરોધ હૈ. મંચ પર વિરાજમાન ગુજરાત રાજ્ય કે પરમ સન્માનનીય રાજ્યપાલ શ્રી ઓપી કોહલીજી કા પુષ્પગુચ્છ સે અભિવાદન કરે. સભી મહાનુભાવો કા બહોત બહોત ધન્યવાદ. આદરણીય પ્રધાનમંત્રીજી કે માર્ગદર્શન મેં ભારત કા રેલ મંત્રાલય અનેક નયે સંકલ્પો और उनके सुचारू अमलीकरण के द्वारा विभाग के विकास और जन सुविधा में वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है. आइए इन विकास लक्षी कार्यो के बारे में देखते हैं यह फिल्म. हमेशा अपनों को सपनों से जोड़ती है भारतीय रेलवे, जो समर्पित है भारतीयों के जज्बात और भारत के विकास के लिए. आप अपने बात समझ रहे होंगे कि भारत की प्रगति और प्रगति की एक बहुत बड़ी व्यवस्था है. रेल तो वही है, बस इंजन बदल गया और बदली सफर की क्षमता पिछले दो साल में ट्रेनों की कमीशनिंग की गति बढ़ी. नवनिर्माण पर खर्च पहले से चार गुना बढ़ा. आर्थिक क्रांति को बहुत बड़ा बल देने वाले डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण भी हो रहा है तेजी से, जिसका 37% हिस्सा गुजरेगा गुजरात से. आधुनिक सुविधाओं से सच हम सफल जैसी बेहतर की शुरू की गई है और जल्द ही पूरी तरह अनारक्षित हम चुके हैं और दिल्ली यात्रा की सुविधा देने वाली तेजस जैसी नई ट्रेनें शुरू की जाएंगी. डिजिटल इंडिया के साथ शुरू हुए 100 से अधिक स्टेशनों पर फ्री वाई फाई कनेक्शन, ई ट्रेन सेवाएं, एसएमएस आधारित गेट माई कोड सेवा, साथ ही शुरू हुई 138 और 182 की ऑल इंडिया हेल्पलाइन सेवाएं, ई टिकटिंग की सुविधाएं भी बढ़ी और यात्री टिकट सुविधा के लिए पार्सल ग्रो आदि पर 10,000 POS मशीन भी लगाई जा रही है. भारत के लिए स्वच्छ रेल आधुनिक भारत का निर्माण कर रहा है. देश के पश्चिमी छोर पर बसा गुजरात भी तो यही कह रहा है. पिछले दो सालों में गुजरात को विकास के एक और पड़ाव तक पहुंचाने की शुरुआत कर दी है भारतीय रेल ने. सिर्फ पिछले दो सालों में 2,300 करोड़ रुपयों की परियोजनाएं मंजूर की गई और 13,000 करोड़ रुपयों की परियोजनाएं कार्यरत है, जिसे 2018 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. और इन नए परियोजनाओं को मंजिल तक पहुंचाने के लिए गुजरात रेल
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जी रैंक कार्यक्रम भी किया गया और इसका पूरे देश को इस समय से इंतजार है। जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी शुरू होने जा रहा है अहमदाबाद और मुंबई के बीच 97,000 करोड़ रुपए के खर्च पर शुरू होने वाले इस ट्रेन प्रोजेक्ट का 70% हिस्सा गुजरेगा गुजरात से होकर देश को बेसब्री से इंतजार है। अपनी पहली रेल यूनिवर्सिटी का भी जिसका निर्माण भी होने जा रहा है गुजरात के अहमदाबाद पिछले 2 सालों में गुजरात में 14 नई ट्रेन शुरू की है। यात्रियों की संख्या भी बढ़ाई गई राज्य के अलग अलग स्टेशन पर शुरू हुआ मैकेनाइज्ड इंजीनियरिंग और खास ग्रीन कॉरिडोर का भी हुआ शुभारंभ। यहाँ से गुजरने वाली सभी 29 ट्रेन में लगे हैं 700 पायलट पायलट्स। हमने कहा है कि रेलवे स्टेशनों को प्राइवेटाइज करो नीचे ट्रेन चलती रहे और फर्स्ट क्लास सेवन स्टार होटल बना दो मोटल बना दो मॉल बना दो ट्रेन चलती रहेगी ट्रेन के ऊपर आसमान पूरा खुला पड़ा है उसमें से इनकम करो और रेलवे को अच्छी करो। प्रधानमंत्री जी के इस इनोवेटिव विचार को हकीकत बनाया जाएगा। देश भर में 400 रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट करके और गुजरात जिसने देश के विकास के कई मॉडल्स किए हैं उसके 21 रेलवे स्टेशनों का भी होगा कार्यक्रम जिसकी शुभ शुरुआत होगी सूरत और गांधीनगर स्टेशन के साथ। सूरत स्टेशन की पतले की सूरत जब यहाँ 645 करोड़ रुपए के खर्च पर बनेगा अल्ट्रा मॉडल कम्पेटिक्स के साथ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन जो देश में पहली बार सरकार के तीनों लेवल से एक साथ शुरू किया है जॉइंट वेंचर। 61 मंजिल के ये 5 टावर्स जबकि शहर की स्काईलाइन डबल कर देंगे और इससे भी पहले गुजरात का गांधीनगर रेलवे स्टेशन बनेगा देश के लिए एक मिसाल जो गांधीनगर सेंट्रल सिस्टम की समुदाय बदल देगा। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग का अनोखा उदाहरण बनेगा यह प्रोजेक्ट जिसके प्रबंधन के लिए की गई है रचना सत्कार भाव को चरितार्थ करते हुए अब भारत के माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी से अनुरोध करते हैं स्वागत संबोधन के लिए। आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय राज्यपाल जी गुजरात के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी आत्माराम परमार जी जयंत सिंह जी मित्तल जी और यहाँ पर इस बहुत ऐतिहासिक सोने को देखने के लिए उपस्थित सभी सम्मान भाई और बहनों ऐसे तो नीचे भी बहुत बड़े नेता बन बैठे उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही खुशी का दिन है। हम वाले लोग the
Thank you.
Thank you.